हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ क्विक रिविज़न लेक्चर नंबर सिक्स एंड इस लेक्चर के अंदर हमने uh, दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है एक तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल तो इस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ और अमेंडमेंट्स देखेंगे ठीक है तो अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने क्विक रिविजन वीडियोज़ अच्छे से किए होंगे दूसरा कुछ स्कीम्स इसके अंदर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको भी फटाफट इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनके भी कवर अप करेंगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जितना हो सके शेयर करना है और अगर आप फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स शेयरिंग का जो बटन है उसके थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मिनिमम फोर्टी रुपीज से आप कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो आप चाहें जो आपको ठीक लगे ओके सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट नाउ एंड सबसे पहले हम थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे इससे पहले के अमेंडमेंट एक्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया तो वो भी जरूर कवर कर लीजिएगा थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आया था नाइन्टीन सेवेंटी फाइव के अंदर ओके तो इसके अंदर बेसिकली इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन था कि जो भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड उसको जुडिशरी से बाहर कर दिया बेसिकली जुडिशियरी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती ठीक है इससे इस रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर तो वो कौन डिसाइड करेगा वो वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जो पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी ये बेसिकली अमेंडमेंट्स जो हैं ये इमरजेंसी के टाइम के अमेंडमेंट्स हैं और इमरजेंसी बेसिकली लगाई ही कही कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द इलाहाबाद कोर्ट और फिर एमरजेंसी लगी थी तो ये सब चेंजेस जो थे उसके बाद के ही हैं तो बेसिकली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को जुडिशरी के प्रिव्यू से बाहर कर दिया था थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट ने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को अगेन ये आ, आपका आ, इमरजेंसी के टाइम पर ही लागू हुआ था और मेजर चेंजेस इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे सबसे पहले तो प्रियम्बल के अंदर चेंज आया था तीन नए वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर डाले गए सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेग्रिटी ये तीन वर्ड्स फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से डाले गए हैं याद रखना है मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के घुमा फिरा के पूछा जा चुका है रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेग्रिटी ये तीन वर्ड ऐड हुए थे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपका आर्टिकल जो आपका पार्ट फोर ए है बेसिकली जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से मेरे को जरा कमेंट के अंदर ये बताना ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से शेयर किया है ठीक है कहाँ से हमने लिया है इसको उसके बाद जी प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस से बाउंड कर दिया कि जो कैबिनेट एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट को वो फुलफिल करनी पड़ेगी साथ ही साथ यहाँ पर एक नया पार्ट और ऐड किया गया दैट वाज योर पार्ट फोर्टीन ए पार्ट फोर्टीन ए के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और वेरियस जो अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए जैसे जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वो इसी पार्ट के अंदर फॉर्म होते हैं तो ये पार्ट भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इसको इंसर्ट किया गया उसके बाद जी जो लोकसभा की सीट्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनको नाइनटीन सेवेंटी वन के सेंसस के हिसाब से फ्रीज कर दिया गया टिल टू थाउजेंड वन ये बेसिकली एज अ पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर था क्यों क्योंकि बात अभी यही सरकार कह रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो फैमिली प्लानिंग को इनक्रेज कर रही थी अब कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो बेसिकली अब कोई भी स्टेट क्यों अपनी पॉपुलेशन कम करेगी क्योंकि इंडिया के अंदर सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर वो पॉपुलेशन के आधार पे होनी है तो स्टेट कहेगी कि यार हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे फॉर एग्जांपल केरला जैसी स्टेट कहेगी कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे हमें क्या फ़ायदा है जब आप दोबारा से सीट्स री एलोकेट करोगे तो यूपी जैसी स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बूम हो रही है उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा और राज्यसभा में और हमारी स्टेट का से कम हो जाएगा पार्लियामेंट में तो ये वाला प्रॉब्लम ना आए इसीलिए सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था नाइनटीन सेवेंटी वन सेंसस पे टिल टू थाउजेंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जुडिशियरी से बाहर कर दिया जुडिशियल स्क्रिटनी से बाहर कर दिया तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो जुडिशरी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल कर दिया ठीक है और जो रिट जूरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फंडामेंटल राइट्स के केस में उस पर भी कंटेलमेंट लगाए गए लोकसभा का टेन्योर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर को बढ़ा दिया गया पहले पांच साल होता था अब उसको छ साल कर दिया था ओके उसके बाद जी आ, कानून ये बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाया गया कि अगर किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है पहले एक अमेंडमेंट हुआ था दैट वॉज ओनली रिलेटेड टू थर्टी नाइन सबक्लॉस ए एंड सबक्लॉस बी ठीक है लेकिन यहां पर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कानून बना रही है और उससे फंडामेंटल राइट right भी वॉयलेट हो रहा है तो भी उसको इनवैलिड नहीं आप डिक्लेयर कर सकते ठीक है जी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कोई भी लॉ बनाए एंटी नेशनल एक्टिविटीज को डील करने के लिए और ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को डील करने वाले लॉ होंगे दिस विल बी सुपीरियर या इनकी प्रेसिडेंस होगी ओवर फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से इंफीरियर यहां पर बना दिया तीन नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए जिसमें था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये तीन नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऐड हुए अगेन बार बार इस इसपे क्वेश्चन बन चुका है अच्छे से इसको याद करना है ईजी है कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जस्टिस और लीगल एड आ गया वर्कर की पार्टिसिपेशन आ गई मैनेजमेंट में और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन आ गई क्या डिफिकल्ट है ओके उसके बाद जी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी किसी भी पार्ट में हो सकता है इंडियन टेरिटरी के एंड जो प्रेसिडेंट रूल की वन टाइम ड्यूरेशन छः महीने की होती थी पहले उसको वन ईयर कर दिया एक बार में आप प्रेसिडेंट रूल छः महीने के लिए लगा सकते थे पहले उसको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने बोला कि नहीं एक बार में आप एक साल तक के लिए लगा सकते हैं उसके बाद जी सेंटर को पावर दे दी कि वो आर्म्ड फोर्सेस भी डिप्लॉय कर सकता है किसी भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की ग्रेव सिचुएशन आ जाती है पांच सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया जिसमें आपका एजुकेशन था फॉरेस्ट था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स था वेट्स एंड मेजर वेट्स एंड एंड मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था ओके कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पहले भी यूनियन के पास ही था अब इन्होंने बाकी के कोर्ट्स को भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया पार्लियामेंट में कोरम की जो रिक्वायरमेंट होती थी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के लिए तो इन्होंने बोला कि कोरम वोरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में उसके बाद पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि वो टाइम टू टाइम जो राइट्स एंड प्रिविलेजेज़ हैं मेम्बर्स के या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के उसको डिसाइड कर सकें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की क्रिएशन का भी यहाँ पर प्रोविज़न बनाया गया ओके सो दीज वर द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट uh, अमेंडमेंट है क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस इसके अंदर आए थे लेकिन हम देखेंगे कि फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में uh, जब सरकार चेंज हुई जब जनता सरकार आई थी मोरारजी देसाई की उसके बाद इन सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया गया था जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में हुई थी फोर्टी थर्ड अमेंडमेंट में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जूरिस्टिक्शन थी जुडिशियल रिव्यू की और इशू ऑफ रिट्स की उसको रिस्टोर किया एंड फिर जो पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स दी गई थी टू मेक लॉज टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जिनकी प्रेजिडेंस होगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो भी पार्लियामेंट से दोबारा ले ली गई तो ये दो चेंजेस थे जिन्होंने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट को रिवर्स किया दो चीज़ों को एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को और दूसरा पार्लियामेंट की स्पेशल पावर्स को इंटरनेशनल लॉज से रिलेटेड फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे ओरिजिनल टर्म जो पांच साल का था लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीस का उसको फिर से पांच साल कर दिया छः से ओके okay. उसके बाद जी कोरम की जो रिक्वायरमेंट थी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में उसको भी रिस्टोर कर दिया पहले क्या होता था जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के प्रोविजंस थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का रेफरेंस होता था तो जहां पर भी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का रेफरेंस था उसको हटा दिया गया ओमिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई न्यूज़पेपर में अगर कोई पब्लिकेशन हो रही है जिसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स की ट्रू रिपोर्ट्स हैं जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो अगर उसके अंदर है तो उसमें फिर न्यूज़पेपर के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकते प्रेजिडेंट को ये क्योंकि बेटा वो दौर था ना उस टाइम पर लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ करते थे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे ना लोकसभा और राज्यसभा के तो पेपर्स के थ्रू ही सब कुछ होता था प्रेजिडेंट को एडवाइज दे दिया गया पहले क्या था फोर्टी सेकेंड ने क्या बोला कि प्रेजिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइज ऑफ द कैबिनेट की जो कैबिनेट ने बोल दिया वो उसको पूरा करना ही पड़ेगा यहां पर फोर्टी फोर्थ में क्या बोल दिया कि प्रेजिडेंट जो है वो एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए कैबिनेट को उसकी एडवाइस वापस भेज सकता है ठीक है लेकिन रिकंसिडर करने के बाद जो कैबिनेट दोबारा प्रेसिडेंट को भेजेगी विद द चेंजेस और विदाउट द चेंजेस वो फिर प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग बाइंडिंग होएगा तो एक बार रिकन्सिडरेशन का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्रिएट किया गया ओके okay. उसके बाद जी एक प्रोविजन होता था कि भाई प्रेसिडेंट की इन केस ऑफ यूनियन गवर्नर की इन केस ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर की इन केस ऑफ यूटी ठीक है इनकी सेटिस्फेक्शन अगर है रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस दैट हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट तो वो कंप्लीट कम, है उसके लिए फिर ज्युडिशरी के पास नहीं जा सकते अब यहां पर इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की पावर्स को रिस्टोर किया गया जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है उसमें पहले टर्म होता था इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको चेंज कर दिया गया विद आर्म्ड रिबेलियन नाउ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इंपोज्ड इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस ओके प्रेजिडेंट इमरजेंसी सिर्फ कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन के ऊपर लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी नॉट अदरवाइज प्रोसीजरल सेफ लेकर के आए गए नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको सिर्फ एक लीगल राइट right का दर्जा दिया गया साथ ही साथ ये भी बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी जो राइट्स आपके आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ओके देन जो प्रोविजन था जिसमें कोर्ट की पावर ले ली गई थी कि भाई कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर से रिलेटेड तो वो कोर्ट के पास नहीं जाएगा वो उस अथॉरिटी के पास जाएगा जो पार्लियामेंट डिसाइड करे तो इस प्रोविजन को भी ओमिट कर दिया गया ये पावर जो है कोर्ट की रिस्टोर कर दी गई नेक्स्ट आ जाए फिफ्टी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन के ऊपर यहां पर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो किसी एक पर्सन के जो स्पेशली इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या टेलीकोम्युनिकेशन सिस्टम है जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेटअप किया गया है या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट तो चाहे तो ऐसे लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो है इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ और इसने एक नया शेड्यूल जो है वो ऐड किया दैट इज़ टेंथ शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल है अच्छा पहले टेंथ शेड्यूल एक बार ऐड हुआ था थर्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट के साथ सिक्किम के जब सिक्किम को हमने uh, अपना एक एसोसिएट uh, स्टेट बना लिया था ठीक है लेकिन फिर थर्टी सिक्सथ अमेंडमेंट में जब वो फुल फ्लैज इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया उसके बाद फिर हमने टेंथ uh, शेड्यूल को डिलीट कर दिया था फिर फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट के साथ फिर से दोबारा से टेंथ शेड्यूल आ गया रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन फिफ्टी एथ अमेंडमेंट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस तरह की अमेंडमेंट्स पे से क्वेश्चन वो पूछता है इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो उसका ट्रांसलेशन है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए दैट मीन्स कि उसकी भी सेम लीगल सेंटिटी होगी जैसे इंग्लिश एडिशन की है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी इंपॉर्टेंट है पहले वोटिंग एज होती थी ट्वेंटी लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए जो वोटिंग करनी है वो 21 साल में आप एलिजिबल होते थे थेडमेंट एक्ट ने एटीन ईयर्स बना दिया फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर पहले होता था आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ठीक है एक सिंगल पर्सन ऑफिस होता था इसकी जगह एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बनाया गया यह जो सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट से बना ना ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉमन कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आगे के अमेंडमेंट्स में हम देखेंगे कि कैसे फिर इनको बाइफरकेट भी किया गया सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट ने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाएगा और यहां पर इस अमेंडमेंट के अंदर सेवेंटी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाया गया दिल्ली के लिए जिसके अंदर सात जो मेंबर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए दिल्ली में सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुरी नेपाली इन तीन लैंग्वेजेस को एथ शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया जिससे आपकी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एटीन हो गए ओके सो दीज वर द अमेंडमेंट्स दैट वर टू बी डन सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट तक हमारा हो गया है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्विक रिवीजन के अंदर मैं सेवेंटी सेकेंड अमेंडमेंट से टिल डेट की जो अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा अब हम कुछ स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से जो इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले निर्भया फंड दो में सरकार ने निर्भया फंड इंट्रोड्यूस किया था टू हेल्प द वुमेन इन डिस्ट्रेस ठीक है इम्प्रूवड इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर प्रोवाइड करना है वुमेन को हेल्प करने के लिए सेफर स्पेसेस क्रिएट करने हैं ठीक है नॉन लैप्सिबल फंड है ओके दिस विल नॉट लैप्स थाउजेंड करोड़ जो सेंटर गिफ्ट देगा और स्टेट इंश्योर इसको यूज करेगा बेसिकली वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है फंड की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है एक्सपेंडिचर्स कौन अप्रूव करता है वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ठीक है और बेसिकली डब्ल्यू सी डी ने जैसे अब इस स्कीम के अंदर जो पैसा यूज़ किया है वन स्टॉप सेंटर्स जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं वुमेन हेल्पलाइन का यूनिवर्सलाइजेशन महिला पुलिस वॉल्टियर इन सब चीज़ों के अंदर उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड ठीक है तो uh, ये सब जो है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट उन्नति प्रोजेक्ट उन्नति बेसिकली एक स्किलिंग प्रोजेक्ट है अब देखो मनरेगा के अंदर क्या है हम अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करते हैं बट हमने सरकार ने कहा यार कि हम लोगों को अनस्किल्ड वर्क तो प्रोवाइड कर रहे हैं पर हम ऐसा नहीं चाहते कि जो जिसके पास स्किल नहीं है या जो अनस्किल्ड वर्क कर रहा है मनरेगा के अंदर वो जिंदगी भर अनस्किल्ड ही रहे उसको उसका कुछ ना कुछ स्किल इंप्रूवमेंट करो जिससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में उसका लाइवलीहुड इंप्रूव होगा ठीक है कि वो अभी तो मनरेगा में सौ दिन आकर के काम करता है एक तरीके से पार्ट टाइम काम है उसका फुल टाइम हमको उसको रोजगार देना है ठीक है तो तो उसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड प्रोवाइड की की जाए तो इसके अंदर जाएगी हर हाउस होल्ड के वन एडल्ट मेंबर को जो और एज ग्रुप है इसके अंदर अठारह से पैंतालीस साल की उम्र का जो मेंबर होगा और जिसने एटलीस्ट एक बार हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है मनरेगा के अंदर कवर किया है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ओके okay? और ट्रेनिंग के टाइम पर हम उनको स्टिपेंड भी देंगे जो भी खर्चा होगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी ताकि स्किल इंप्रूवमेंट जो है वो हो सके प्रोजेक्ट उन्नति लाइवलीहुड जो है मनरेगा बेनिफिशरीज की स्पेशली याद रखेंगे नेक्स्ट आ जाता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप अगेन ये मनरेगा रिलेटेड है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हम करना चाहते हैं मनरेगा के अंडर स्टेट्स और यूटीज में तो इसके अंदर क्या होगा जैसे पहले अटेंडेंस होती थी वो मस्टर रोल्स के थ्रू होती थी तो उसमें ना फेक बेनिफिशरीज़ बड़े सारे होते थे कि एक्चुअल में काम कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअल में इम्प्लॉय कुछ नहीं हो रहे ऐसे ही नाम डाले हुए हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या होगा सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा ठीक है अटेंडेंस जो है वो भी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू होगी और अटेंडेंस ऐसी नहीं होगी बट टिक लगा दिया फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा ठीक है फोटोग्राफ लगा करके उसको उसमें अपलोड होगी कि हाँ भाई बंदा आया है

बेसिकली ये क्या करेगा ग्राउंड वाटर लेवल को चेक करेगा साल में दो बार हर गांव के अंदर एंड इससे क्या होगा जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्राउंड वाटर का क्या सारा सिस्टम है वो पता चलेगा साथ ही साथ मनरेगा के अंदर भी ये हेल्प करेगा उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने में कि कहाँ पर क्या वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है पंद्रह अगस्त नाइनटीन नाइनटी फाइव को लागू की गई थी ठीक है और ये आर्टिकल फोर्टी वन की बेसिकली फुलफ़िलमेंट का काम करती है जिसमें पब्लिक असिस्टेंस की बात है अनएम्प्लॉयमेंट के, के केस में ओल्ड एज सिकनेस डिसेबलमेंट ठीक है तो वहाँ पर यह बेसिकली आ, जो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है उसमें हेल्प करता है तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर

मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है एक अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी एम था 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस को विद बेसिक कंस्ट्रक्ट करना इनिशियल टाइम एंड दो तक स्कीम का टारगेट अचीव करना था बट अब इसको मार्च दो तक एक्सटेंड कर दिया गया है एनुअली टारगेट सेट किए जाते हैं एनुअली क्यों टारगेट सेट किए जाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी देखनी है कि कितने एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं कितना टारगेट अचीव कर लिया है पिछले साल में स्टेट्स और यूटीज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कॉस्ट शेयरिंग सेंटर और, के और, और स्टेट के केस में सिक्सटी रेशियो फोर्टी की शेयरिंग है प्लेन एरिया स्टेट्स में और नाइन्टी रेशियो टेन की शेयरिंग है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के केस में उसके बाद बेनिफिशरीज की सिलेक्शन के लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा थर्टीन पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जो ग्राम सभा बेसिकली देखती है ग्राम सभा वेरीफाई करती है अल्टीमेटली कि बेनिफिशियरी एलिजिबल है या नहीं है प्रॉपर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है ग्राम पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट हर लेवल के ऊपर बेनिफिशियरी को हम नाइन्टी uh, डेज़ का अनस्किल्ड लेबर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली मनरेगा के अंदर जो हमने लेबर प्रोवाइड करनी होती है तो मनरेगा के अंदर हम घर कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं लोगों के इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ठीक है पर पैसा सरकार देती है तो एक तरह से उनकी वो जो खर्चा है वो बच गया ओके okay, उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है जैसे ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करनी है ठीक है जो फ्लाई ऐश या सीमेंट स्टेबिलाइज अर्थ को यूज़ करके जो इंटे बन रही हैं तो वो भी मनरेगा के अंदर ईंटें बनाई जाती हैं जो सब्सिडाइज रेट पे फिर आ, पी एम जी के अंदर बेनिफिशियरी को प्रोवाइड की जाती है लोन भी ले सकता है बेनिफिशियरी अप टू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ जो ऑप्शनल है यूनिट साइज जो है वो बीस स्क्वेयर मीटर से पच्चीस स्क्वायर मीटर कर दिया गया है और जिसके अंदर एक डेडिकेटेड एरिया जो है हाइजीनिक कुकिंग के लिए होना चाहिए नेक्स्ट आ जाता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रिसेंटली न्यूज में था तो बेसिकली uh, अमेंडमेंट uh, आया था 2021 में तो इस अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए अमेंडमेंट बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल देर इज प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ़ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए थे बट दट कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड फेल्ड एंड दैट रिजल्टेड इन टू तो उस केस में uh, जो टर्मिनेशन है वो अलाउड है अप टू ट्वेंटी वीक्स एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है बाय अ मैरिड वूमेन ओके मेरिड वुमेन यहाँ पर स्पेशली लिखा है अनमेरिड वुमेन के लिए यहाँ पर लिखा गया है इट ऑल्सो अलाउज अनमेरिड वुमे टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी फॉर दिस रीजन ठीक है तो अनमेरिड वुमेन भी टर्मिनेशन यहां पर कर सकते हैं ओपिनियन चाहिए टर्मिनेशन के लिए ओके okay, अगर अप टू ट्वेंटी वीक्स आप टर्मिनेशन कर रहे हो तो uh, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको ओपिनियन चाहिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स में अगर uh, जो है टर्मिनेशन uh, करना है तो उसमें दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए ठीक है एंड uh, अगर ट्वेंटी फोर वीक्स के बियॉन्ड हो गया है टाइम और उसके इसमें टर्मिनेशन करना है तो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड अगर उसको अप्रूव करेगा तभी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और ये जनरली तब किया जाएगा अगर फिटल में सबस्टेंशियल एबनॉर्मेलिटीज uh, जो हैं वो विजिबल हैं नेक्स्ट अपर जेस्टेशन लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरीज सो अपर जेस्टेशन लिमिट बेसिकली इट इज़ फॉर यू नो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन जैसे रेप सर्वाइवर्स हो गए ठीक है या वर्नरेबल वुमेन है डिफरेंटली एबल्ड माइनर्स मंग तो उनके केस में जो अपर जेस्टेशन पीरियड है दट इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स एंड नॉट ट्वेंटी वीक्स कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन है कि जो भी नेम है पर्टिकुलर्स हैं वुमेन के जिनकी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट किए जा रहे हैं वो किसी भी हालत में रिवील नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट जो ऑथोराइज पर्सन है नेक्स्ट आ जाता है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टिस एक्ट तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये रिलेटेड है ड्रग कंजम्पशन या पोजेशन से तो ये इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करता है ठीक है एंड ये मेन एक्ट है जो बेसिकली ड्रग के साथ डील करता है इंडिया के अंदर और ये 1985 में इंडिया ने बनाया था क्योंकि यू कन्वेंशन हमने एक साइन की थी उसके अकॉर्डिंगली एक्ट में ट्रेड प्रोडक्शन यूज पोजेशन किसी भी तरह के साइको या सब्सटेंस को अगर आप रख रहे हो तो वो इलीगल है ठीक है एक्सेप्ट वो मेडिकल या साइंटिफिक रीजन के लिए ठीक है इम्यूनिटी दी जाती है प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट से अगर वॉल्टियरली आप जो है उसको छोड़ देते हो और ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन को लेते हो एडिक्ट और फर्स्ट टाइम यूजर्स और रिक्रिएशनल यूजर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर भी हो तब भी पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसकी नोडल मिनिस्ट्री है नेक्स्ट आ जाओ मिशन शक्ति के ऊपर इसमें से क्वेश्चन इस बार आएगा पेपर के अंदर ठीक है स्टार मार्क कर लेना पेपर में क्वेश्चन आएगा मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था बेसिकली फॉर यू नो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स सेफ्टी सिक्योरिटी एम्पावरमेंट जो वेरियस प्रोग्राम्स है ना एक तरीके से ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही थी उनको डाल दिया गया है ओके फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स वो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा ठीक है तो बेसिकली स्कीम जो है वो क्या कह रही है कि हम वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड और वो फ्री चॉइस जो एक्सरसाइज कर सके चाहे वो अपना माइंड है चाहे अपनी बॉडी है और एक वॉयेंस और थ्रेट फ्री एटमोसफेयर के अंदर रह सकें ओके तो बेसिकली साथ के साथ यह भी बोलता है कि केयर बर्डन वुमेन के ऊपर कम करना है केयर बर्डन है घर की जिम्मेदारियां घर की बहू घर की बेटी वाली जो जिम्मेदारियां उसको कम करना है ताकि फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके स्किल डेवलपमेंट उनका इंप्रूव किया जा सके कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके फाइनेंशियली लिटरेट बनाया जा सके माइक्रो क्रेडिट को एक्सेस हो मिशन शक्ति की दो सब स्कीम्स है संबल और सामर्थ्य संबल और सामर्थ्य सांबल जो सब स्कीम है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है वुमेन की और सामर्थ्या जो है एम्पावरमेंट के लिए है। सांबल के अंदर क्या क्या आ गया जो आपके वन स्टॉप सेंटर्स हैं जहाँ पर बेसिकली जो वनरेबल वुमेन है दे कैन गो एंड सीख हेल्प वुमेन हेल्पलाइन हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया ठीक है और एक नया कॉम्पोनेंट है इसके अंदर नारी अदालत बेसिकली आ, ये वुमेन्स कल कलेक्टिव्स होंगे जो आ, एक तरीके से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एनकरेज करेंगे जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेंगे सोसाइटी के अंदर सामर्थ्या दिस इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इसके अंदर क्या क्या आ गया उज्ज्वला स्वधार गृह ठीक है वर्किंग वुमेन हॉस्टल ओके एंड इसके अलावा आपकी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ठीक है जी तो ये सब जो है

डेवलपमेंट गैप्स जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो जैसे पीएम गति शक्ति के अंदर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर uh, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इक्वेलेंटली नॉर्थ ईस्ट में भी होनी चाहिए सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाए लाइवलीहुड एक्टिविटीज को एंकरेज किया जाए और जो डेवलपमेंट गैप्स हैं वेरियस सेक्टर्स के अंदर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री उनको फुलफिल करना की हाईलाइट्स ठीक है जो टाइमलाइन है पच्चीस छब्बीस तक इसको खत्म करना है हंड्रेड परसेंट सेंट्रल फंडिंग होगी इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्री एजेंसीज वो इसको करेंगे एंड टू एंड डेवलपमेंट करेंगे ऐसा नहीं है कि कुछ काम करके छोड़ दिया डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी और मिनिस्ट्री या किसी और स्कीम के अंडर अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है तो कोऑर्डिनेट करके काम करना है डुप्लीकेशन नहीं करना है सो दिस वॉज इट गाइस दिस वॉज योर क्विक रिविजन लेक्चर नंबर सिक्स आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड जो uh, इसके अंदर ना आपकी uh, इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया उस प्ले लिस्ट के अंदर जितनी वीडियोज़ हैं जितनी स्कीम्स की वीडियोज़ हैं वो सारी आपने देखनी है अगले दो दिन में ठीक है वो आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि उनमें से सवाल आएंगे ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय